आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। 5 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे 2,899 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेशवासियों से 100% मतदान की अपील की और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा प्रबंध किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों पर आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी तथा सपाक्स सहित कई दलों ने प्रदेश में अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कुल 2,899 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कुल 65,367 मतदान केंद्रों पर 3,782 मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं। 17,000 से अधिक संवेदनशील मतदान केंद्रों पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि इनमें 3,046 मतदान केंद्र महिला कर्मियों द्वारा तथा 160 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए 12,000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी की व्यवस्था भी की है। इस बीच प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी वीएल कांता राव ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ईवीएम से मतदान पूरी तरह सुरक्षित है और इन मशीनों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है। प्रदेश में आज मतदान पर्व पर 5,04,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही 2,899 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। मतगणना 11 दिसंबर को होगी। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगभग 5,04,95,000 मतदाता हैं, जिनमें 2,63,00,000 पुरुष, 2,41,00,000 महिलाएं और 1,389 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल है। इसके अलावा 62,172 सर्विस मतदाता भी हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार चुनाव मैदान में सबसे ज्यादा 1,094 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। राजनीतिक दलों में भाजपा ने सभी 230 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि कांग्रेस 229 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने टीकमगढ़ जिले की जतारा सीट शरद यादव की अगुवाई वाले लोकतांत्रिक जनता दल के लिए छोड़ दी है। बहुजन समाज पार्टी ने 227 उम्मीदवार खड़े किए हैं तो समाजवादी पार्टी भी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने 208 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीते विधानसभा चुनाव में कुल 230 सीटों में से भाजपा ने 165 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 58, बसपा को 4 और निर्दलीय उम्मीदवार 3 सीटों पर विजयी रहे थे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची जारी की गई है। हालांकि मतदान पर्ची के बिना भी ऐसे मतदाता जिनका नाम एएसडी सूची में है, वे मतदाता परिचय पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं। एएसडी सूची में उन मतदाताओं के नाम है जिनकी मतदाता पर्ची वितरित नहीं हो पाई है या जो अनुपस्थित है या उस जगह से स्थानांतरित हो गए हैं। मतदाता परिचय पत्र के साथ ही मतदान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे कुछ अन्य दस्तावेज आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर मतदान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज अर्जेंटीना रवाना होंगे। रवाना होने से पूर्व एक बयान में उन्होंने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत ऐसे परिष्कृत बहुराष्ट्रवाद की आवश्यकता पर बल देगा जो समसामयिक वास्तविकताओं को व्यक्त कर सके और विश्व के कल्याण के लिए सामूहिक कार्रवाई को कारगर ढंग से मजबूती प्रदान कर सके। एक वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की गंभीर आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों और वित्तीय आतंक पैदा करने वालों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को आज भी अभूतपूर्व आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि इन अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी VL कांताराव ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने का आह्वान किया है। श्री कांताराव ने कहा कि लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सोपान है। निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन में सहभागिता के लिए राज्य के प्रत्येक मतदाता से स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। श्री कांताराव ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के साथ साथ सुगम और समावेशी बनाने के लिए प्रदेश में इस बार मतदान में मुख्य रूप से दिव्यांग, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मतदान केंद्रों पर छाया, पीने के पानी एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इस बार VVPAT मशीन का उपयोग भी किया जा रहा है। इसमें आपके द्वारा डाले गए वोट का सत्या आप स्वयं कर सकते हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 1,80,000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस होमगार्ड के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां तैनात की गई हैं। 67,000 से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बल और दूसरे राज्यों के आए 33,000 होमगार्ड भी सुरक्षा प्रबंध में जुटे हुए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा प्रबंधों को विशेष तौर पर मजबूत किया गया है। केंद्र सरकार ने सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को कल मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की औपचारिक घोषणा कर दी। विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 62 वर्षीय भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रविवार 2 दिसंबर को अपना नया पद ग्रहण करेंगे। वर्तमान चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत शनिवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष या की आयु का होता है। इनमें से जो पहले हो उसे अपनाया जाता है। परंपरागत रूप से सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को ही मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। प्रदेश के रेरा अध्यक्ष एंटोनी डिसा ने सार्थक विकास के लिए प्रकृति के साथ संतुलन की आवश्यकता बताई है। श्री डिसा ने कल एप्को में विश्व प्रकृति निधि की मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इकाई की सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम उपयोग ही किया जाना चाहिए। विश्व प्रकृति निधि की मध्य प्रदेश राज्य की संचालक संगीता सक्सेना ने प्रदेश में संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाज में प्रकृति एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मिजल्स रूबेला नियंत्रण अभियान माह जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा। अभियान की सफलता के लिए अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने के लिए 30 नवंबर को राज्य टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाएगी। मिजल्स रूबेला अभियान के अंतर्गत शालाओं और आंगनवाड़ियों में दर्ज 9 माह से 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालय की 9वीं कक्षा में रिक्त स्थानों पर प्रवेश पाने के लिए इच्छुक छात्र इस महीने की 30 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 2 फरवरी 2019 को आयोजित की जाएगी। 9वीं कक्षा में रिक्त स्थानों के बारे में जानकारी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। तमिलनाडु को छोड़कर देश भर में 660 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में छात्रों की बोर्डिंग, लॉजिंग, पुस्तकें और यूनिफॉर्म की सुविधाओं के साथ निशुल्क उत्तम आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। 5 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे 2,899 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेशवासियों से 100% मतदान की अपील की और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। इसके साथ ही
प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।